बैठे छो, रूम खाली है कि नहीं, रूम खाली है कि नहीं ऐसे पता करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो गाइस आज मैं एक रूम करने जा रहा हूँ, एक मुस्लिम भाई के लिए जो हरमो चौक पास वेट कर रहे हैं, उनको सिंगल रूम चाहिए 2000 के अंडर में चाहिए। बट मैं बोला कि हरमो चौक वेट कीजिए, मैं आपके लिए रूम खोज के जा रहा हूँ। तो अभी जो है ये मुस्लिम इलाका है पूरा, तो अभी मैं सिंगल ही जा रहा हूँ उनके लिए रूम खोजने, और उनका रूम खोज कर उनको फिर रिसीव करने जाऊँगा। और अगर आप सबका रूम का रिक्वायरमेंट हो तो इसमें कुछ नया रूम दिखाऊंगा कि अगर आपको भी रूम लेना तो कितना बजट तक, कहाँ पे, कौन सा लोकेशन, कौन सा सिटी में, कितना बजट अभी चल रहा है रूम का, सारा कुछ आपको डिटेल्स मिलने वाली इस वीडियो में। बस वीडियो बने रहो, चलो स्टार्ट करते हैं। आप मुस्लिम इलाका में रूम खोजने जाना, और इधर तो थोड़ा गंदगी ज़्यादा रहता है, इधर जो इनका जो इलाका है इधर गंदगी थोड़ा ज़्यादा रहता है, और टॉयलेट तो लिखा ही नहीं रहेगा भैया, रेफरेंस से जाना पड़ेगा। पूछिए रूम खाली है इधर, हाँ मेरा फलना रिश्तेदार ही फलना ही है, मेरा रूम खाली, तो मैं भाई के लिए रूम खोज लिया हूँ, 1600 का रूम है, बस उसको लाने जा रहा हूँ और रिसीव करने जा रहा हूँ अभी इसमें। तो भाई साहब आ रहे हैं, सामने ही हैं, तो उनको रोस्टनर में जाते हैं, उनको सिंगल रूम चाहिए। तो सामने देख सकते हो वही भैया आ रहे हैं, तो उन साहब सबको भी मिलाते हैं कि भैया को कैसा रूम चाहिए, और मतलब आप सबके लिए क्या होता हो सकता है फीडबैक, तो भैया से मिलाते हैं। तो आप ही हो भैया, चलिए हाँ मिलाइए। तो यहाँ पे ऑडियंस है यहाँ पे फीडबैक के लिए। तो आपको किस टाइप का रूम चाहिए था? सिंगल रूम चाहिए था, मतलब बस सिंगल रूम चाहिए था। स्टूडेंट जो रहता है? हाँ, स्टूडेंट ही। और मतलब क्या यहाँ पे पढ़ाई करने आए? हाँ, गोस्नर कॉलेज। हाँ, वो जो बी बाजार में है वो ना। हाँ, तो यहाँ पे अभी कौन से क्लास में होते हैं? हम बीए कर रहे हैं। वो बीए कर रहे हो, और आपका आप कहाँ से आए हो? हम आए ग्रेजुएशन। अच्छा, तो आप ये बताइए मेरे ऑडियंस को कि आपको मेरे पर ट्रस्ट कैसे है? आपका वीडियो देखे, इतना लोग को और इतना लोग का फीडबैक देखे, तो मतलब इतना मेरा ट्रस्ट हो गया। हाँ, तो और कुछ दिखा होगा मतलब कि ट्रस्ट, जैसे कि जनरली किसी पर ट्रस्ट नहीं होता जल्दी, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता कि अनजान शहर में हम जाएंगे और रूम दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा, खर्चा करके जाएंगे दिलाएगा कि नहीं दिलाएगा। तो खाली वीडियो देख कर ही ट्रस्ट आया, मतलब कुछ बताइए यहाँ पर, ऐसा कुछ फील हुआ होगा कि नहीं, मतलब अंदर से कैसा फील हुआ कि नहीं बंदा हमको धोखा नहीं दे सकता, ऐसा अलग है? नहीं, बाकी लोग का देखे, आप बात करने का तरीका इसी का मतलब अच्छा था। क्या तो भैया 2000 तक का मैं इनको रूम बोला था, बट 1600 का ही रूम मिल गया इनको, सिंगल, और अच्छा घर है, मतलब सोसाइटी भी अच्छा है, और घर का भी जो क्या बोलते हैं पुट्टी किया हुआ है, तो सारा कुछ अच्छा है और फैमिली भी अच्छा है। तो चलिए भैया को वहाँ पे ले चलते हैं, फिर इनको रूम दिखाते हैं, उनको सारा कुछ बात करवाते हैं। आप सब बने रहो वीडियो का लास्ट तक, और पूरा इन्फॉर्मेशन लेके जाओ, जैसे भैया का ट्रस्ट हुआ जैसे आपको भी ट्रस्ट मेरे प्रति जगेगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखे तभी पूरी बात समझ में आएगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सिंगल रूम है, फैन भी लगा हुआ है इसमें, अनवीरा यहाँ पे लगा हुआ है। तो देखो भैया को फाइनली रूम दिखा दिया, भैया कैसा रूम लगा आपको? अच्छा है। मतलब बजट कितना था? भले बहुत लोग होता है कि भैया आप बजट ऐसे ही डाल देते हो, बजट कितना था बताइए? 1600 बोले थे स्टार्टिंग में, 1600 ही बजट था। थोड़ा सा भैया को दिक्कत हो रहा था गली ढूंढने में, हमको भी नहीं पता था, तो फाइनली थोड़ा सा गली नज़दीक है, वैसे से तो नज़दीक है बहुत ज़्यादा, उधर से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो भैया अभी कंफर्म आके करेंगे, इनका पापा भी आएंगे देखने, तो पापा आकर इनका कंफर्म कर देंगे। बट घर कौन थोड़ा अच्छे थे तो बोले कि हाँ, संडे के क्या दिन है अभी? संडे का दो दिन है, तो 2 दिन बोले हाँ एडजस्ट कर लेंगे, 2 दिन रुक जाएंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे अपना कास्ट लोग को क्या बोलना चाहोगे मेरे चैनल के बारे में, ट्रस्ट कर रहे हैं या ना? ट्रस्ट करें, अच्छा है, और भैया बहुत अच्छा से दिखाते हैं रोड, और रूम भी अच्छा से दिलवाते हैं ढूंढ ढूंढ के अंदर से। आपके टोला में तो पहले बता दीजिए क्या दिक्कत है, टॉयलेट लिखा रहता कहीं पर? नहीं, इधर टॉयलेट कहीं नहीं लिखा रहता, मुश्किल होता है थोड़ा सा ढूंढना इधर। घर घर जाके जैसे कि चंदा नहीं मांग रहे हैं, चंदा दीजिए जी, रूम खाली है कि नहीं, रूम खाली है कि नहीं ऐसे पता करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई। फिर भी मैं आ जाता हूँ तो मैं करता हूँ, आप सबके लिए ये भी कर लेता हूँ, चंदा जैसा ढंढनाना भी स्टार्ट कर देता हूँ। बट पहले तो हमको जज करते हैं भाई, आप जैसे जाते हैं कि जैसे हम हिंदू हैं तो जाते हैं तो थोड़ा
जज करते हैं कि हाँ पहले देखेंगे नीचे से ऊपर, फिर उसके बाद बोलेंगे हाँ ठीक है रूम है किसके लिए लेना है, मतलब क्या डिटेल्स पूछते हैं। हम बेहिचक बताते हैं क्योंकि मैं इधर बहुत लोग को रूम दिलाया हूँ तो काफ़ी लोग भी जानते हैं, इनके लिए मैं उन्हीं से सपोर्ट लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो उनसे थोड़ा सा हो जाता है। तो भैया आप अपने चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहोगे मेरे बारे में, कि जैसे कि मेरे बारे में बोलिए कि हम क्या बोले, आप अपना दिल से बोलिए क्या बोलना चाहोगे। यही कि इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपको किसी रूम चाहिए तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, भैया बहुत अच्छा से रूम दिलवा देते हैं और तुरंत दिलवा देंगे, इमरजेंसी में भी चाहिए तो इमरजेंसी भी दिलवा देंगे, इमरजेंसी में दिलवा देंगे, बाकी कोशिश करिएगा कि इमरजेंसी का नौबत ना आए, थोड़ा सा हमको भी टाइम दीजिएगा, टाइम देंगे तो और अच्छा रूम दिलवा देंगे। तो इमरजेंसी वैसे तो अचानक से आप अगर अर्जेंट है तो कोई बात नहीं है, हाँ बाकी थोड़ा सा हमको भी टाइम दीजिएगा तो थोड़ा अच्छा और रूम दिखा देंगे अच्छा खासा। तो बस इतने हैं, और अगर आप सबको थोड़ा बहुत भी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।